तारार बिच में चंदलोर दोरा बिच में धाम नाम लेऊं नख ते सरोर पूर्ण करे सिदका हरि गोमंद सुत के वतारे पूर्व भरियो कोड कौन सिंगरे कंवर जलमिया बिरमर करी बबू तेरी हो नखत थारे ना मरी मन मोड़ी पड़ी रे पिचान कई दिन बीत्या बाल पड़े मरा कई दिन बीत्या जन जान तो देखो बर्ताई कलजुल में दादे बाबूता सिद्धि नखत मना ओढ़ करी चौथी पीढ़ी में पड़पोटा प्रगट होया क्या के दादे बाबूता सिद्धरा बचने मादल जी सोनकी परिवार में सौ सालों चौथी पीढ़ी में देव प्रगट हुए ए दादे रा बचने कड़ी नाडी जी टेम बाबूता सिद्ध देव लोग होया जी टेम अरे बचन सोने क्यारे महीने मादल जी के परिवार में सौ सालों चौथी पीढ़ी में एक सिद्ध प्रगट हुए दादे बाबूता सिद्ध जी ओड कलजुगरे महीने नखत बना करी और कलजुगरे महीने ऐसा ऐसा प्रचार दिया ऐसे ऐसी अद्भुत महिमा करी भक्तों गावनिया गा नहीं सके लिखनिया लिख नहीं सके ये धनीरी महिमा रो कहीं बोलो कहीं पार है भाई तो देखो नखतनारी धाम पांडरी नाडी पर ऐसी अद्भुत लीला सिदारी अरमान सिंह सेवा करे आर धनी रो धूप क्यों करे आईडे ने बबूती दे तोती दे आर धनी जागे अरदास करे धनी मारक ने बट ने बबूती है देव ने तोती है अरे तोती री लाज लाग नहीं मारो बेड़ो पार हो जी क्या के छत्री वंश में जन्म लियो है और परमार्थ रो काम झालियो है ई परमार्थ रे महीने मारी दुनेरी बबूती री हाथ री दियोड़ी आर धनी थारो है तन्नी हिलू कर बुरो और बबूती देऊ मारी बबूती री लाज राख दिया तो पांडरी नाडी धाम माते किसी प्रकार नगर बनारी लीला वही है और कई एक परचो दियो है ऐसो परचो भक्तों जिकने डॉक्टर बैम गादनी तो होर के उम्र जे वे आदमी और कैंसर जेडी खतरनाक बीमारी लाग जे वनी लकड़ी उदई लागे नी जो मिनक ने वळो वळे जानू पड़े और डॉक्टर कह दी जा तो ने कैंसर है तो आधे गुणो होर के बू जावे के ले भाई मौत आ गई क्योंकि जीनो आगवेर मरनो नेड़ो है क्योंकि कैंसर हो गयो हमें कोई उपाय नहीं है कैंसर की कठी कोई दवाई नहीं है ना कोई गुणाई है अबे तो मौत ही नेड़ी है जीनो गुणो आगो तो शिवलाल जी सोनी सोनिया सर गांव और गले नहीं है थोड़ी थोड़ी तकलीफ रहती मन में विचार कियो कनी तो बैंब करता के पानी लड़ियोड़ो हैला कंठा में खरखरी आले तो कई दिन नमकरा कुल्ला करिया कई दिन कागोलिया कराया भण ओ कंठ तैयार होने रो नाव नीले महीनों बीस दिन काट दिया एक दिन मन में विचार कियो फेताल कहीं मरे है हाल रखो डॉक्टर ने बताओ ठीक रही क्योंकि दिनों दिन बदे और बीमारी तो कोई दवाई खाया मिटे पण भाई घनी पाड़ियों तो बदे शिवलाल जी सोनी जी कहीं किसी प्रकार डॉक्टर खाने जावे है और डॉक्टर ने कहो डॉक्टर साहब हमारी कंठ घना दुखे है पानी पीजे कोनी रोटी खाईजे कोनी इतना दिन तो धका लियो हमें धके कोनी और थारे खाने आयो और ये कंठ हूं ना तो पानी गिटीजे ना रोटी गिटीजे और वा शरीर है कि अंदर ही पानी नी काया है अगर अन्न पानी नी पहुंची ता काया कितना दिन रहे मोने को तो खरी तो डॉक्टर साहब सोनी जी की जांच करी जांच कर पुरा जांचन महीने आई आर शिवलाल जी ने कह भैया ई कंठा में ने कैंसर है और कैंसर बड़ो भयंकर है कैंसर और ना हो तो शिवलाल जी रहत खड़ा हो गया
ले भाई मोतो बेन कहीं और ही करियो और हमें तो मौत रो संदेश नेड़ो आ गयो क्योंकि कैंसर हो गयो और कैंसर हो तो मरना ही पड़े और कैंसर कोई उपाय कौन तो बेटे मैं शिवला जी का ही भगवान ने अरदास करे बोले दिन माड़ा आ गया नहीं आज मेरा समय माड़ा आ गया मेरे शरीर को गवाई सांस को देनी क्योंकि समय आ सो रहे जने हिलाई गई सती हते हुए और समय माड़ो आ गया नहीं जने दूजे री जरूरी कोनी है शरीर का गवाई नहीं आई खावण लाग गयो के मैं अमूज नहीं आवे अरे जीव रो कोई रे नहीं रे संगी रे जीव रो अरे भजो भाई राम रघुनाथ ने रेवे जीवरो संगी हमें तो एक राम जी रो नाम रो हरो है अरे वो शरीर छोड़ जानो पड़े क्योंकि कैंसर के रोगी हो यानी बे बचिया को नहीं मरनो पड़ियो पण ई कलयुग में ऐसी लीला ही नखतनारी है कि जको ने डॉक्टर उतर दे देनी बोनो धनी जाले आर डॉक्टर साहब कैंसर की बीमारी बता दी और डॉक्टर साहब उत्तर दे दियो के भैया अठे कोई उपाय नहीं है अबे घरे जाओ और हो सके तो कोई चमत्कार हुए नहीं जने मोरख ने जकी औखत है बियो भाई तैयार हो तो लगे कोनी रे वास्ते भाई तू थारे घरे जा और सेवा करो और कहीं आनी जानी कोनी बचाऊ नालो और मरन नालो परमात्मा मारे हाथ में कहीं नहीं है तो वे टाइम शिवलाल जी विचार करे ले भाई
थोड़ो घणो कोई दवाई रो इशारो नी बोई डॉक्टर आपरी तरफ उतर दे दियो हमें आपो कने कोई साधन कोनी हमें करा काई तो घरे आवे और कई मन में विचार करे और घर ना लागे कई बात करे और घर ना के कोई देवी देवता रहलो के नहीं है गेलो हमें किसा देवता रे किसा लेता है हमें देवता रे करी जाने जरूरत न कठी जाने जरूरत हमें तो मरनो नेड़ो है जीनो आगो हर के कौन है सुने के केने के बारे ये मन रे मारे बोले कौन सुने कहने के वहां मन अपारी बात अपारी मननी बात अब सुनने वालों कौन है डॉक्टर कैंसर बता दियो तो हमें कोई उपाय नहीं है तो बेटे में शिवलाल जी बेटो झूमरलाल सोनी नखतनारी घर में अगरबत्ती करिया कर तो एक फोटो मेलियोड़ी और नखतना ने मोनिया कर तो नखतनारी सुबह शाम अगरबत्ती कर तो हर झूमरलाल क्या पिता बोले थे डरो क्या पिताजी कलयुग में नखतना ऐसा देव है कि कैंसर कई कैंसर मोटा मोटा रोग है जिके मिटा दे पण विश्वास करनो पड़ी विश्वास करे और धुनेरी बबूती ले मोरा कर्ज सरे शिवलाल जी मन में विचार करियो इते एक थिंग नहीं तो विश्वास है धनी रो और नखतना अगर बीमारी मिट गई तो भाई दिन दिन भाग है और कोई धनी होना ही कर ले तो कर ले नहीं देने भैया मरनो तो दीसी है बोले नहीं मरना रो तरना रो बहुत मोटो है
और 26 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा बीकानेर महीने कोई फर्क तो पड़ियो नहीं पर नखत बना थारे फर्क गाली मने विश्वास है तो बेटे पांडी नाडी नखत बनारी धाम माते आवे है और नखत बनारी देवली रा दर्शन कर मन में बड़ा राजी हुए है और सीधा राजे कई कल्पना करे है और शिवलाल जी सोनी बनारी देवली आगे बैठ पर कई सदन आगे कीर्ति करने लगे और कई सदन ने आंखें में देखो हंसू आज और दुखरा दिन दुख हुए जने और कई देखो युड़े हूं और आंतरी हूं धनी हेलो करे धनी आज हेलो सुने तो मर्जी थारी है चाहे मार दे चाहे तार दे हमें थारो शरणो ले लियो अबे तो हुई जाए देखी जाए मौत रो डर को नहीं तो बेटे में कहीं देखो शिवलाल जी सुने कहीं जगह है हर के भोड़ा रे भगत रिकॉर्डिंग करता तारा तंदी सोनी गांव सिंध ग्रुप गायक सीताराम राजना गुरुदेव सीताराम जी भंडारिया और संग में श्रवण सेन दौलत भाई देवू राणा सर्व और बबूती लगाई के सोनी जी ऐद की बबूती में जी करामात है और थे हाथ जोड़ और नहीं विनती करो
एलो सुनो नगत मेरो काम है और अपारी काम है अरदास करनो अरदास करियो बिल्कुल धनी एलो होई शिवला जी सोनी के नगत बना दे थाने कलयुग में लीला करी है और थारे नाम है परचोई है और मारो कैंसर मिटनी तो हूं थाने बोलू कोनी बबूती देनी और शिवलाल जी गिर गया तांती बबूती गले में बोंदड़ी और बबूती लगाई का तो कोनी पीस तो कोनी रोटी खाइस की कोनी और धनी बबूती गई जिते में कंठा मां पार उतरी पानी पी लियो और रोटी खाइस नहीं हरूगी बोले नक्कर सिद्ध बना की और शिवलाल जी ने विश्वास हुयो कि ओ धनी अपने मरण को देन बिल्कुल होले होना तैयार करी डॉक्टर कैंसिल कर दियो पण ए कैंसिल कर दे ई बीमारी में हा दिन आजकाली 10 दिन ली 15 दिन ली एकदम धाप धाप रोटी खाण लाग गया कोई तरह तकलीफ ही कोत नहीं रेडी रेंट हो गया और पाछा डॉक्टर ने जांच करावे तो डॉक्टर के ये कैसे हो गया ये तो कोई चमत्कार हो गया बोले डॉक्टर साहब सौ ऊपर लो कोई बड़े डॉक्टर है बोले इनको कैंसर है ही नहीं कैंसर कैसे मिट गया बोले कलयुग में नगद बना एक देव है और ऐसा चमत्कारी देव है कि ऐसा रोग एक मिनट में तैयार कर दे के भैया चमत्कार को तो हम भी मानते हैं चमत्कार ने मान रो पड़े नीले ने मुंडी मोरी दे ले कई वर्षों को निकाली दे तरजा छाती माथे और शिवलाल जी ने बनारी करवाऊं बबूती हूं शरीर कैंसर मिटियो और बीमारी मिटी और धनी ने मोने और धनी ने बोलवा करी के धनी सवा मणि जागण लगाऊं तन मन धन हुई धाम थे और ई में लिखियो है और नखदारी नावरी सवा मणि और जागण मंठा नौरतम लाग गया मैं और धनी रो हुकुम होई जब कने हुकुम होए कहीं लीला रो ठा कोनी हो हुकुम नौरतम करे कहीं लीला होए धनी दी धनी जाने और शिवलाल जी ने सोनी जी ने एकदम प्यार करया कैंसर की बीमारी मिटी और पांडरी नाडी री धाम माते ऐसी लीला होई भक्ता ऐसी ऐसी लीला ई धाम माते अनेकों होई गावणियां गा को सकेनी लिखनियां लिख को सकेनी क्योंकि सिद्रो नाम ही चमत्कार है ई बबूती में लाखों ने प्रचार मिलिया है भक्ता हिगड़ा गा थोड़ी सके पण आ शिवलाल जी ने ऐसी कैंसर की बीमारी मिटाई कलयुग में नखत बनाई पांडरी नाडी धाम माते और भोले भगत बबूती दीनी और भोले भगत री लाज राखी बबूती री और तांती री लाज राखी और धनी रो धोकियो खेवे और बाप जी ने कई अरदास करे ये नखत बना इसी प्रकार मारो काम में धूपियो खेवने रो और हो थारे दी में घी गलना नो बियो बेसी मार के कई साधन नहीं है और आईडे भगत ने बबूती दू भी भगत री लाज राख दई और मारो जोड़ो पार कर दई हर के अच्छी रे मेरी माँ देव नकतरी ये पानी नाली रे वाली Yeah.
करिया नाडी रे श्याम की, पांडरी नाडी रे श्याम की। इसी प्रकार ऊपर तो सोनिया से गांव में दियो जीव दान दियो बोली भगत और भगवान की।